हेलो स्टूडेंट, मैं बिना टाइम गंवाए हुए आज लास्ट डे है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप एजवार भी कीजिए कि आपको पता है अथवा नहीं पता। जाते जाते इस वीडियो को एक बार देखते जाइए और ये बताते जाइए कि ये क्वेश्चन आपको पता है या नहीं पता। हो सकता है दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके सेट में रखे ही मिलेंगे, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रखा हो, जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस है। देखो, फिजिक्स का जो मैंने पेपर करवाया था, वो जो मेरे यहाँ पेपर सेट बना है वो बहुत ही आसान बना था, तो जितने भी मेरे पढ़ने वाले ऑफलाइन बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया मुझे, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ यूट्यूब के बच्चे ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जैसे कि प्रिया गुप्ता नाम की एक लड़की है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है सर, जो आपने पढ़ाया था वही पूछा गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो मैं बट इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके लाइक शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी दोस्त इनका अनुमान लगा सकें कि उन्हें पता है अथवा नहीं पता। इसके बाद मैंने सेकेंड चैनल ओपन किया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे भी आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय पर यह पता चले कि मुझे क्या करना है, इंटर के बाद क्या पढ़ना है, कैसे कैसे जॉब लेनी है, और कुछ टेक्निकल चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आती हैं उनको भी उस चैनल पर बताया जाएगा। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात यह है कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधियां, ये मैंने कराया हुआ है मेरे चैनल से, अभी जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन अब आपको नया तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए, इनके 4 लक्षण लिखिए, इस क्वेश्चन को भी मैं करवा चुका हूँ, जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद क्लोरोफार्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में भर कर क्यों रखा जाता है, इस क्वेश्चन को भी मैं करवा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसे भी जाकर आप देख लीजिए। उल्टज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चंस भी मैं करवा चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसके बाद साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, इसके बाद रायमन टीमन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, जो कि मैंने नहीं लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तीनों रिएक्शन मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो जाकर प्रिपेयर अगर करना चाहते हो तो कर लो, अगर पहले से प्रिपेयर हैं तो एक बार देखते जाइए, ताकि उन्हें देखने से आपको काफ़ी अनुभव हो जाएगा। तो मैं एक बार घुमा घुमा के सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में दी गई चैनल की लिंक, उसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जाएगी, जो आपके जीवन भर काम आने वाली है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।